हे एवरीवन, वेलकम बैक टू डे नंबर 2 ऑफ लीटकोड डेली चैलेंज। आज का क्वेश्चन है मिसिंग नंबर, एंड अगर इसके कंपनी टैग्स देखो तो अगेन काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियों में पूछा गया है, राइट? तो चलो कोई बात नहीं, इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं ऐसा क्या है इस क्वेश्चन में। डू यू नो वाई दिस क्वेश्चन इज इन ईजी? क्योंकि इसकी अप्रोच जो है वो फटाक से दिमाग में आएगी, बट इसका जो ऑप्टिमल वे है वो सोचने के लिए आपको कंसेप्ट चाहिए, इसलिए ऐसी कंपनियां इसे स्टार्टर क्वेश्चन में पूछती हैं। एनीवे, सो क्वेश्चन कह रहा है गिवन एन एरे नम्स कंटेनिंग एन डिस्टिंक्ट नंबर्स इन दी रेंज 0 to n, ओके, 0 से लेके n तक है, रिटर्न दी ओनली नंबर इन दी रेंज दैट इज मिसिंग फ्रॉम दी एरे। तो आपको मिसिंग नंबर फाइंड करना है, बट एक अच्छी चीज़ है, आपको पता है कि इस एरे में 0 से लेके n तक ही एलिमेंट्स हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे नम्स की n क्या है, बाय द वे n साइज है, जैसे नम्स की साइज यहाँ पे कितनी, 3 है, 3 एलिमेंट्स है ना, तो 0, 1, 2, 3 होना चाहिए था। तो 0 भी है, 1 भी है, 3 भी है, बट 2 मिसिंग है, तो आपको 2 रिटर्न करना है। ग्रेट, तो आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ रहा है। अगर इसके कंस्ट्रेंट्स देखें तो ये कह रहे हैं कि भाई वही चीज़, n लेंथ है और 1 से लेकर 10^4 तक वैल्यू जा सकती है n की, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ओके, और जो एग्जैक्ट एलिमेंट्स है वो 0 से लेकर हमेशा n तक ही होने वाले हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट सारे एलिमेंट्स यूनिक हैं, यहाँ पे डुप्लीकेट नहीं है। ग्रेट, सो सोचो सोचो, थिंकिंग टाइम, आप सोचो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हो। सो वीडियो पॉज करो यार और सोचो थोड़ा, है ना? ओके, सो अगर आपने सोचा होगा तो अपनी अप्रोच कमेंट जरूर करना। बाय द वे, इस वीडियो पे भी लाइक टारगेट है 30, सो मेक श्योर आप इस लाइक टारगेट को मीट करवा दो। अगर आपको 30 से कम लग रहा है तो लाइक कर दो, 30 से ज़्यादा लग रहा है तो अनलाइक मत करना। अनलाइक कुछ वर्ड होता है, नॉन लाइक, डिसलाइक, सॉरी सॉरी, माई बैड। चलो लेट्स स्टार्ट विद द मिसिंग नंबर। ओके, मेरे दिमाग में कई सारी अप्रोचेज आ रही हैं। देखो, मुझे पता है 0 से लेके हमेशा n एलिमेंट्स ही होने वाले हैं, तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल सा n कैलकुलेट कर लूँगा, ठीक है। m मैं लिखूँगा यार, n इज इक्वल टू नम्स डॉट लेंथ, ठीक है, और इससे मुझे पता चल जाएगा कितने एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, मैं एक लूप चला दूंगा फॉर 0 to n, बोथ इंक्लूसिव, और मैं चेक करूँगा क्या इस एरे में 0 है, लीनियर सर्च, ओके। तो आई डू अ लीनियर सर्च, लीनियर सर्च, और मैं चेक कर लूँगा क्या इस एरे में, इफ़ आई कॉल दिस एज आई, और ये रहा नम्स, ओके, क्या नम्स में आई प्रेजेंट है, ओके। कभी भी अगर मुझे यहाँ पे, मैं यहाँ पे रिटर्न करूँगा बूलियन ट्रू एंड फॉल्स, यहाँ पे फाउंड, ठीक है, फाउंड लिख दिया, FOU, अरे यार FOUND, ओके, मैं लिखूँगा इफ नॉट फाउंड, इफ नॉट फाउंड देन रिटर्न, जो भी तुम्हें रिटर्न करना है कि भाई नहीं मिला, मिसिंग नंबर ये है, अदरवाइज। अच्छा, इन्होंने नहीं बोला है ना कि मिसिंग नंबर नहीं है तो क्या करना है। ओके, सो मेंशन नहीं है, दैट मीन्स हमेशा आपको मिसिंग नंबर मिलेगा, तो यहाँ पे कुछ भी रिटर्न कर देना, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका हमेशा यही चलने वाला है, ठीक है। एनी वे, वी गॉट आवर सोल्यूशन। सो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ठीक है, वॉट विल बी दी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सोल्यूशन? तो सबसे पहले ये एन टाइम्स चल रहा है, और ये लीनियर सर्च भी हमेशा एन टाइम्स चलता है, दैट मीन्स एन इंटू एन इज एन स्क्वेयर सोल्यूशन, ठीक है, ये एन स्क्वेयर सोल्यूशन है जो मेरे दिमाग में आया। अब इस अप्रोच में दो लूप्स चल रहे हैं, एक आउटर लूप चल रहा है एन टाइम्स, एक इनर लूप चल रहा है एन टाइम्स। ये लीनियर सर्च है, और ये क्या कर रहा है, ये एक एक करके पता कर रहा है कौन सा नंबर मुझे चेक करना है। तो इन दोनों को आप डिफरेंट तरीके से ब्रेक कर सकते हो, यानी डिफरेंट तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकते हो। लीनियर सर्च को जब भी ऑप्टिमाइज करना होता है तो हमारे पास दो तरीके होते हैं। आइदर हम क्या करते हैं, एरे को सॉर्ट कर देते हैं, सॉर्ट कर देते हैं, और बाइनरी सर्च लगा देते हैं। बट यहाँ पे अगर आप सॉर्ट कर दोगे तो आपको चीज़ें फैशन में चाहिए, ठीक है, तो सॉर्टिंग से आई टेल यू क्या फ़ायदा होगा। लेट्स से हमने इसे सॉर्ट कर दिया, सॉर्ट कर दिया, तो ये बन जाएगा 0, 1 एंड 3, ठीक है। ये एरे जो 301 था, आई थिंक 301 था, राइट, 301 था, वो 0, 1, 3 बन जाएगा आफ्टर सॉर्टिंग। सॉर्टिंग की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन लॉग एन, बेस्ट केस आप क्विक सॉर्ट लगा सकते हो, मर्ज सॉर्ट लगा सकते हो, ठीक है। नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज इंडेक्सिंग, देखो 0, 1, 2, आपको सिंपल आइटरेट करना है, और आपको चेक करना है कि जो इंडेक्स है क्या वही एलिमेंट है, जो इंडेक्स है क्या वही एलिमेंट है, जो इंडेक्स है क्या वही एलिमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पहला मिसिंग मिल गया कि भाई 2 इंडेक्स पे 2 नहीं 3 पड़ा है, यानी कि 2 क्या है, 2 इज मिसिंग नंबर, ओके। अगेन, आपने सॉर्टिंग के लिए एन लॉग एन टाइम लगाया, प्लस ओ ऑफ एन टाइम लीनियरली से स्कैन करके आप पता कर रहे हो, ठीक है, दिस इज योर सेकेंड वे। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन लॉग एन प्लस एन, पिछले वाले की एन स्क्वायर। लेट्स मूव ऑन टू दी थर्ड सोल्यूशन। थर्ड सोल्यूशन क्या हो सकता है, वॉट कैन बी दी थर्ड सोल्यूशन? देखो, सॉर्टिंग कर ली, सब कुछ कर लिया,
अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी आप सर्च करते हो, ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके पास क्या है? हैशिंग, राइट? हम हैश कर सकते हैं जब भी हम सर्च करते किसी भी चीज़ को, वी कैन हैश इट ईजिली। तो लेट्स सी कि क्या हैशिंग यहाँ पे वर्क करेगा। विल हैशिंग वर्क हियर? 3 0 1, ओके, इंडेक्स 0, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2। अब मैं इन वैल्यूज़ को हैश कर लेता हूँ, बट यहाँ पे मुझे की वैल्यू पेयर से मतलब नहीं है, मुझे हैशिंग में बस इतना पता करना है कि वो एलिमेंट है या नहीं है। यानी कि मैं सिंपल काम करूँ, अगर मैं 0th इंडेक्स पे हूँ, यहाँ पे हूँ, मैं इंडेक्स ट्रैवर्स कर रहा हूँ, ठीक है, लास्ट लास्ट सोल्यूशन की तरह। अब 0 यहाँ पे है या नहीं, सॉर्टिंग में तो यहीं पे आ जाता, बट अब मैं इसे सॉर्ट नहीं कर रहा, तो मैं कैसे चेक करूँ 0 यहाँ पे है या नहीं? तो मैं क्या करूँगा, इन सारी वैल्यूज़ को एक हैश सेट में इंसर्ट कर दूंगा, यानी कि 3 0 1, ये मैंने एक सेट में इंसर्ट कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे चेक करना है 0 है नहीं, 1 है नहीं, 2 है नहीं। तो जब मुझे इंडेक्स ही आइटरेट करनी है, तो मैं ये मेथड वापस से यूज़ कर लेता हूँ जो मैंने ऊपर किया था, राइट, फॉर लूप 0 to n, इंडेक्सेस तो उतने ही होने वाले हैं। सो एनीवे हम यहाँ पे फिर से चलेंगे, फॉर 0 to n, 0 to n, बोथ इंक्लूसिव, इसे i बना दो, ठीक है। एंड देन यहाँ पे हम डायरेक्टली सेट में सर्च कर सकते हैं कि इफ सेट डॉट कंटेन्स, है ना, और यहाँ पे हम लिख देंगे भाई ये जो भी इंडेक्स है, ठीक है, एंड यहाँ पे नॉट ऑपरेटर लगा दो, अगर नॉट कंटेन्स तो रिटर्न रिटर्न आई, आई मिसिंग है, दैट्स इट, सिंपल। इसमें फ़ायदा क्या है कि ये आपका कांस्टेंट ऑपरेशन है, ऊपर ये लीनियर सर्च के टाइम बिग ऑफ एन जा रहा था, तो दिस इज दी ऑप्टिमाइजेशन ओवर लीनियर सर्च, बट स्टिल आपका ऊपर वाला एन जा रहा है, तो द सोल्यूशन विल बी एन प्लस कॉन्स्टेंट टाइम, एंड दिस इज अ प्रेटी गुड सोल्यूशन। बट यहाँ पे ओवर हेड किया है एक्स्ट्रा स्पेस, ओके। इफ वी गो बैक टू द क्वेश्चन, ये रहा फॉलो अप, कुड यू इम्प्लीमेंट अ सोल्यूशन यूजिंग बिग ओ ऑफ 1 एक्स्ट्रा स्पेस, ओके। सो एनी वे वी गॉट आवर बेस्ट सोल्यूशन, बट वो एक्स्ट्रा स्पेस ले रहा है, नाउ वी नीड टू रिमूव दिस स्पेस। कोई बात नहीं यार, दिस वॉज द थर्ड सोल्यूशन, नो, लेट्स मूव अहेड, लेट्स फाइंड द फोर्थ सोल्यूशन, ओके। आई विल गिव यू 5 सोल्यूशंस टूडे, इंटरेस्टिंग, राइट? चलो अब आ जाते हैं हमारे रामबाड़ पे, जहाँ कोई काम नहीं करता, वहाँ आपका मैथ्स आ जाता है, मैथ्स या फिर बिट्स, ओके। सोचो, आई विल गिव यू सम टाइम, सोचो मैथ्स या बिट्स इसे कैसे कर सकते हैं। हिंट मैंने दे दिया, जस्ट पॉज द वीडियो एंड सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। एनीवे लेट्स स्टार्ट विद द मैथ्स फर्स्ट, मैथ्स से कैसे कर सकते हैं। बच्चे थे तो एक चीज़ हमें पता थी, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़। अब ये 0 से शुरू हो रहा है, यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स नहीं होने वाले, दैट मीन्स अगर 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 मेरे पास इसका वो निकालें, साइज़ निकालें, तो साइज़ क्या होना चाहिए, 3, ठीक है, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स, 0 + 1 + 2 + 3, ओके। ये एक्चुअल होना चाहिए था अगर इसमें एग्जैक्टली उतने एलिमेंट्स होते। अब तुम्हें पता है इसमें से कोई एक ही एलिमेंट गायब है, यानी कि हमारे केस में, सॉरी, हमारे केस में 2 गायब है, ओके। सो बड़ा सिंपल है, अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं, क्या चीज़, ये सारे एलिमेंट्स, 3 + 0 + 1, ओके, तो ये क्या बन जाएगा, 0 + 1 + 2 + 3, -3 - 0 - 1, ओके, 0 - 0 कुछ नहीं होता, 3 and 3 गायब, 1 and 1 गायब, क्या बचा? स्टाइल में देख रहे हो, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। ये जो तुम्हारी प्रॉपर्टी है सम निकालने वाली, अब तुम सोचो कि भैया फिर से तो हम लूप लगा के सम को निकालेंगे, नहीं यार, अगेन मैथमेटिक्स, हाउ यू फाइंड सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, एन इंटू n+1 डिवाइड बाई 2, दिस इज दी फॉर्मूला टू फाइंड सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, एन नेचुरल नंबर्स। आई डोंट नो ये कौन सी क्लास की मैथमेटिक्स है, बट डेफिनेटली स्कूल में पढ़ाई गई थी, ओके। सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। सो ये आपका कॉन्स्टेंट टाइम में आप निकाल सकते हो, राइट, ये कॉन्स्टेंट टाइम है, कोई लूप नहीं लगाना, कुछ नहीं करना। सो दिस इज बिग ओ ऑफ 1 ऑपरेशन, बट ये निकालने के लिए यू नीड टू ट्रेवल फॉर ओ ऑफ एन, ओके। सो या वी आर मीटिंग ऑल द कंस्ट्रेंट्स, हम बिग ओ ऑफ एन में सॉल्व कर रहे हैं, प्लस क्या हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस ली, नहीं, हम कुछ वेरिएबल्स ले रहे हैं, दैट इज नॉट कॉल्ड एन एक्स्ट्रा स्पेस। सेट के केस में पूरा का पूरा सेट ही हैश कर दिया था, एरे हैश कर दिया था, सो दैट वॉज एक्स्ट्रा स्पेस, बट नो, नॉट हियर, ओके। सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, देन मैं तुम्हें बिट्स वाली भी टेक्निक बताऊंगा, ओके। ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द कोड, मिसिंग नंबर,
ओके, तो सबसे पहले आई विल से एक्सपेक्टेड सम क्या होना चाहिए. एक्सपेक्टेड सम इज इक्वल टू, लेट मी जस्ट फाइंड इट्स लेंथ फर्स्ट. इंट एन इज इक्वल टू नम्स डॉट एल ई एन जी टी एच. ओके, एंड दिस विल बी एन इन टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू. ठीक है, नाउ यू गॉट एन एक्सपेक्टेड सम. अब करेंट सम फाइंड करो. ठीक है, इंट करेंट सम. ठीक है, दैट इज इनिशियली जीरो. अब मैं कहूँगा यार फॉर इंट आई इज इक्वल टू जीरो, आई इज लेस देन एन एंड देन आई प्लस प्लस. एंड वॉट वी कैन डू हेयर इज करेंट सम प्लस इक्वल नम्स ऑफ आई. से आपको सम मिल जाएगा. नाउ आपको पता है आपका आंसर क्या है. एक्सपेक्टेड सम माइनस करेंट सम. एक्सपेक्टेड सम माइनस करेंट सम. कॉपी पेस्ट. ओके, एंड वी कैन इजीली रिटर्न इट. वी कैन इजीली रिटर्न दिस. रिटर्न दिस. ओके ग्रेट, तो अब इसे रन करा के देख लेते हैं. ग्रेट, सबमिट भी करा लेते हैं यार. होपफुली दिस शुड वर्क. एंड इट डिड. 100% फास्टेस्ट सोल्यूशन. क्या बात है, दिस विल बी एक्सेप्टेड इन इंटरव्यू. कोई भी दिक्कत की बात नहीं है. बट स्टिल मैं आपको ये बता देता हूँ, विच इज़ दी फिफ्थ मेथड ऑफ टुडे. राइट, चार पता नहीं कितनी जल्दी मैंने चार मेथड बता दिए. लेट्स स्टार्ट विद दी फिफ्थ वन. ओके, बिट मैनिपुलेशन. बिट कैसे आ रहे हैं पिक्चर में. एनी वे लेट्स ट्राई टू चेक. 3 0 1. ओके, अभी बिट्स में एक ऑपरेटर होता है एग्जॉर. एंड एग्जॉर की क्या प्रॉपर्टी होती है, कुछ बढ़िया बढ़िया प्रॉपर्टीज होती हैं कि अगर आप ए एग्जॉर ए करोगे तो आंसर आता है जीरो, या ए एग्जॉर जीरो करोगे तो आंसर आता है ए. यानी कि किसी भी नंबर का खुद ही से एग्जॉर कर दो तो जीरो बन जाएगा, और किसी नंबर का जीरो से एग्जॉर कर दो तो वही नंबर आ जाएगा. ठीक है, दीज आर टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज. एंड नॉर्मल एग्जॉर की प्रॉपर्टी आई होप आपको पता है कि दोनों नंबर सेम हैं देन इट विल बी जीरो. ठीक है, दोनों नंबर सेम हैं देन इट विल बी जीरो. अगर डिफरेंट है तो इट विल बी वन. ठीक है, ये प्रॉपर्टी आई होप आपको पता होनी चाहिए. मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है इसलिए आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको पता होनी चाहिए. एनी वे, कहाँ पढ़ाया बाय द वे, तो मैंने मैथ्स और बिट्स और इन सारी चीज़ों पे प्रॉपर वीडियोस बनाई हुई हैं. एक एक दो दो घंटे की वीडियोस हैं, उसमें काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, तो उसे आप जाके पढ़ सकते हो. ओके, बाय द वे, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है सो हिट द लाइक बटन, क्योंकि 30 लाइक्स का टारगेट मीट करोगे तभी अगली वीडियो आएगी. अदरवाइज डोंट कर्स मी कि भैया अगली वीडियो क्यों नहीं आ रही है. कोई देखेगा ही नहीं तो बनाने का कोई पॉइंट है नहीं है. एनी वे लेट्स मूव अहेड एंड सी कि एग्जॉर यहाँ पे कैसे यूज हो रहा है. ओके, कोई नहीं, लेट्स स्टार्ट. ये रहा 3 0 1. ठीक है, ये रहा मेरा एरे और इसकी इंडेक्सेस हैं 0 1 2. ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सिंपल चीज़ है कि ये इंडेक्स 3 तक अगर जाता तो यहाँ पे 2 होता. ठीक है, दैट मीन्स मुझे पता है कि इतने नंबर्स होने चाहिए और इतने हैं मेरे पास. तो अब इसमें से मिसिंग नंबर कैसे फाइंड करेंगे, हम इनका आपस में एग्जॉर करा देंगे. ठीक है, तो जब इनका एग्जॉर हो जाएगा तो सारे सेम वाले क्या हो जाएंगे, सारे सेम वाले तुम्हारे 0 हो जाएंगे और सिर्फ 2 बचेगा. ओके, तो वही इंडेक्स बचेगी जिसका एलिमेंट मिसिंग है. कैसे, लेट्स ट्राई टू चेक. ओके, तो व्हाट आई विल डू इज 3 XOR 0. ठीक है, फर्स्ट देन XOR 0 XOR 1 सेकेंड देन XOR 1 XOR 2 1 XOR 2 एंड देन थर्ड खाली 3 है. ठीक है, अब एग्जॉर की एक और प्रॉपर्टी होती है कि क्यूमुलेटिव होते हैं एंड एसोसिएटिव होते हैं. दैट मीन्स हम इसे डायरेक्टली शिफ्ट करके ऐसे भी लिख सकते हैं 0 XOR 0. ठीक है, ये दोनों एलिमेंट उठा लिया, XOR 1 XOR 1. ठीक है, 1 XOR 1 उठा लिया, XOR 3 XOR 3 3 XOR 3 उठा लिया. क्या बच गया, 2 का कोई पेयर नहीं, यानी XOR 2. ठीक है, XOR 2. नाउ 0 XOR 0 0 बन जाएगा, 1 XOR 1 फिर से 0 बन जाएगा, सेम है तो सारे 0 हो जाएंगे, ये भी 0 हो जाएगा, खाली 2 बचा. ओके, 0 XOR 0 अगेन सेम वैल्यू 0 हो जाएगा, 0 XOR 0 XOR 2 ये फिर से 0 हो जाएगा, सेम है. देन यहाँ पे 0 XOR एनी नंबर इज दैट नंबर इटसेल्फ एंड दैट इज योर मिसिंग नंबर. ओके, सिंपल सिंपल सिंपल. क्योंकि हमें पता था कि यार इंडेक्सेस देखो, एलिमेंट्स हो सकते हैं 0 से लेके 3 तक, तो
तो उतने एलिमेंट्स हमने डाल दिए, मींस पॉसिबिलिटीज़। और देन हमने क्या किया, हमने कहा ये सारे नंबर हैं हमारे पास, इनका आपस में एक्सोर कर दो, तो जो डुप्लीकेट्स होंगे वो ऑब्वियसली सारे जीरो हो जाएंगे, खाली वही बचेगा जिसका कोई पेयर नहीं मिल रहा, यानी कि टू, और टू ही हमारा क्या है, मिसिंग नंबर है। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन लेवरेज द पावर ऑफ एक्सोर, लेवरेज द पावर ऑफ बिट मैनिपुलेशन। कोई नहीं, लेट्स ट्राई टू चेक दिस अगेन। इसे मैं कर देता हूँ कॉमेंट। ओके, कॉमेंट दिस एंड हम इसे फिर से सॉल्व करते हैं। ग्रेट, सो नाउ आई नीड एक्सोर ऑफ दीज नंबर्स। सो आई विल से इंट, क्या ले वैल्यू, एक्स ही ले लेते हैं। चलो एक्स इज इक्वल टू नम्स डॉट एल ई एन जी टी एच, ठीक है, ये है लास्ट इंडेक्स यानी कि nth इंडेक्स को इंक्लूड करने के लिए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टू इंक्लूड nth इंडेक्स। ओके, नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज फॉर int आई इज इक्वल टू जीरो, आई इज लेस देन नम्स डॉट लेंथ इज एक्चुअली एक्स, बट वो नहीं हम कर सकते क्योंकि हम एक्स से एक्सोर करेंगे। सो आई विल से इंट एन इज इक्वल टू नम्स डॉट एल ई एन, सॉरी एल ई एन जी टी एच। ओके, एंड हम यहाँ पे एन कर देते हैं, एंड हम यहाँ पे भी एन कर देते हैं, एंड आई प्लस प्लस, ठीक है। नाउ एक्स इज इक्वल टू एक्स एक्सोर, एक्सोर का ऑपरेटर कहाँ गया, सिक्स पे होता है ना, ये रहा इंडेक्स। ओके, एक्सोर नम्स ऑफ आई, ठीक है। तो आप देखो आई और नम्स ऑफ आई तो है ही, हमने साथ में एक एक्स्ट्रा एक्स डाला हुआ है, पहले वाला एक्स जो कि क्या इनिशियली होल्ड करेगा एन, विच इज दी एनथ इंडेक्स। ओके, नाउ इसके बाद जो भी तुम्हारा बचेगा दैट इज योर आंसर, रिटर्न एक्स, सिंपल। लेट्स ट्राई टू रन दिस, होपफुली दिस शुड वर्क। ओके ओके ओके, माई बैड, चल गया राइट, हाँ चल गया। ओके, सबमिट करके देखते हैं, सबमिट करके देखते हैं। ग्रेट यार, अगेन 100% फास्टर, क्या बात है। एंड यहाँ पे भी आपने कुछ खास काम नहीं किया। सो एनी ऑफ दीज टू सोल्यूशंस आर एक्सेप्टेबल, दोनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन है और दोनों ही कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं ले रहे हैं। यहाँ पे भी आपने एक्स नाम का वेरिएबल लिया था, वहाँ आपने एक्सपेक्टेड सम करेंट सम लिया था। सो आई गेस बोथ आर सेम, कोई भी अप्रोच बताओ, इंटरव्यूअर फ्लैट हो जाएगा कि भाई इसको मैथमेटिक्स याद है अभी तक। ओके, सो ये था यार आज की वीडियो में, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई है यार तो इस वीडियो को लाइक कर दो। आई वॉन्ट टू नो कि यू गाइज आर इन्जॉइंग दिस चैलेंजिंग वीडियोज और नॉट। अगर नहीं इन्जॉय कर रहे हो, नहीं सॉल्व करते डेली, तो फिर पॉइंट नहीं है मेरे भी सॉल्व करने का। सो डू लाइक दिस वीडियो, डू कॉमेंट इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग दीज सोल्यूशंस। चलो तो मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, आज की वीडियो में इतना ही, तब तक लिए बाय बाय एंड टेक केयर।